मैं आपको इंग्लिश में ट्रैक्स बताता हूँ और कभी कभी बड़ी सुपर ट्रैक होती है। अब देखो एक वर्ड ब्लू से जो लिखा हुआ है रैप, फिर नीचे ब्लू से देखो पूरी, SMS, विट, YHGH, SPI, ये क्या है? कुछ बड़ी ऑसम ट्रैक्स है, ऑसम। अब देखो रैप क्या होते हैं, ये एक मिसाल तो यो यो हनी सिंह है, छचोरे, ठीक है। छचोरे के लिए वर्ड क्या यूज होता है? R से रिडिकुलस, A से एब्सर्ड और P से प्री पोस्टेरस। तो वो जो बड़ी ऑसम ट्रैक है हम ऐसे याद रख सकते हैं, R फॉर रिडिकुलस, A फॉर एब्सर्ड, P फॉर प्री पोस्टेरस। तस्वीर किसकी बना लो? यो यो हनी सिंह। रैप है ना, रिडिकुलस, एब्सर्ड, प्री पोस्टेरस, और भी ऐसे होते हैं, पाकिस्तान में भी होते हैं। अब देखो पूरी, पूरी लग रहा है ना। अगर बच्चों तुम लोग पूरी ईमानदारी से पढ़ोगे, मेरी बात सुन लो, मेरी वीडियोस पूरी ईमानदारी से देखोगे तो टेस्ट क्लियर हो जाएगा। क्या बोला मैंने? पूरी ईमानदारी। प्रॉबिटी की मीनिंग ईमानदारी, पी से, यू से अपराइटनेस, मीनिंग ईमानदारी, आर से मुराद रेक्टाइट, पूरी ईमानदारी, इंटीग्रिटी की मीनिंग भी पूरी ईमानदारी। तो पूरी हम कैसे रखेंगे? पूरी ईमानदारी, प्रोबेबिलिटी, अपराइटनेस, रेक्टिटाइट, इंटीग्रिटी। अब आ जाओ SMS, अच्छा ना। देखो एक तो वर्ड है सेंटिमेंटल, एस से एम से मॉडलिन भी है, मेविश भी है, एस से शुगरी भी। अब एक बच्चा था, पढ़ाई नहीं कर रहा था, रैप बनना चाह रहा था, कि उसकी अम्मा का एक सेंटिमेंटल SMS आया, मॉडलिन SMS आया, मैविश SMS आया, शुगरी SMS आया, कि मेरे बच्चे अगर तूने नहीं पढ़ाई की तो मैं जान दे दूंगी। अम्मा का सेंटीमेंटल SMS देखते ही बच्चा क्या हो गया? हाँ, पूरी ईमानदारी से पढ़ने लगा, प्रोबिटी से, अपराइटनेस से, रेक्टिटी टाइट से, इंटीग्रिटी से। उसने रिडिकुलस होना, एब्सर्ड होना, प्रोफेस्टरस छोड़ दिया। किस वजह से? जब माँ का कौन सा खत आया था? SMS आया था ना, सेंटीमेंटल, मॉडलिन, मैवे, शुगरी, इन चार वर्ड्स के मैंने सेंटीमेंटल। तो SMS से याद रखेंगे। ऐसे भी कह सकता कि माँ का SMS आया कि माँ तुझे फिश खिलाएगी, तो ये बात उसे माँ के मुँह से शुगरी लगी और उसने पूरी ईमानदारी से पढ़ना शुरू कर दिया।